नागपूर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कृषि विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से जिला स्तरीय महिला बैठक और विभाग स्तरीय बिक्री प्रदर्शनी का आयोजन 3 से 5 जून 2022 के बीच किया गया है। इस मेले में नागपुर के सभी 13 तालुके में महिला बचत गट की 10,000 से अधिक महिलाएं शामिल होगी। 3 से 5 जून 2020 के बीच विभाग स्तरीय बिक्री प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें नागपुर मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाई गई विभिन्न नवीन वस्तुएं खरीद के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही महिलाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न स्मारक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का भी आयोजन किया गया है। भीमथड़ी मेले के आयोजक है वरिष्ठ व्यापार प्रबंधक श्री अंशदान, नई दिल्ली। इस बारे में और मार्केटिंग पर बात करेंगे। मेलों और विभागीय चमचमाती प्रदर्शनियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, लेकिन कोविड के बाद पहली बार नागपुर जिले में संभागीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 150 SHG शामिल है। इसमें कैंटीन और अन्य निर्माण समूहों के लिए 35 समूह शामिल है। इसमें दोनों तरह के भोजन प्रदान करता है। प्रदर्शनी देखने के लिए सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक नागरिक आ सकते हैं। की महिलांनी ग्रामीण भागामध्ये आता थोडक्यामध्ये जर आपण विचार केला तर 17,000 जास्त महिला बचत गट फक्त नागपूर जिल्ह्यात व्याज हे टप्प्याटप्प्याने भरत राहते, पण त्यांच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी व्यवसाय सुरू करावा हा दृष्टिकोनच महिलांमध्ये आता तरी थोडं सुरू आहे, पण त्यांच्यामध्ये खाण्याची आणि गृह उद्योग निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आता एक म्हणजे पुण्याला एक माननीय केदार साहेब यांचा आता 2 दिवसापूर्वी फोन होऊन गेलेला की VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बुकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।